ईद मुबारक गाइस। चले ठीक है, मैं देख लेता हूँ। कौन है? रात 12 बजे तक सो नहीं सकता, यानी वो कोई ना कोई। चलो गाइस, मैं अब अपने गाड़ी में बैठ गया हूँ और फिर चाचू के साथ गया था, वो मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, 6:45 और हम नमाज के लिए करीब हो। तो गाइस अभी नमाज होने वाली है, तो गाइस अब नमाज सिंस हो गई है, मैं ऑफिशियली आप लोगों को कह सकता हूँ ईद मुबारक गाइस। अभी मैं अपने फादर और चाचू के साथ जा रहा हूँ कुर्बानी की जगह, जिधर हमने बकरे दिए हुए कुर्बानी होने के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को वो दिखाने के लिए, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बकरों को देखने जा रहे हैं ना? यस। क्या आपने क्या बोला? आखिरी दफा। वाह, बकरे जबा हो रहे हैं ना? बट इट इज डार्क मैन, व्हाट यू जस्ट सेड इज डार्क। नो इट इज नॉट डार्क। उनका पर्पस जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बकरों का पर्पस जो बनाया है वो पूरा हो गया है, और हर चीज अपने रब की तरफ। हम तो फ्री विल के चक्रों में जो है वो गलतियां और घटिया पे करते हैं। हाँ जी, जितनी बनी हुई है इनमें हर कोई अल्लाह के हुक्म के ताबे है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते थे तो पत्थरों से उन्हें उनकी तारीफ में, उनकी नात में जो है वो कलमात, वो अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह से लेकर के आगे जो है वो कलमा तक पढ़ा करते थे। एक दरख्त था जो कि जो है वो सूखा हुआ था। अब वो जुमे का खुतबा देने के लिए वो उस दरख्त का जो सूखा हुआ था उसका सहारा लेते थे। सूखा हुआ दरख्त, जिंदा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक खातून जो कि ताजर थी, मालदार थी, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप धूप में खड़े होकर के जब खुतबा देते हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए एक मेंबर बनवा लूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी प्यार मोहब्बत को देखते हुए इजाज़त दे दी, उन्होंने बनवाया वो मेंबर करके। तकरीर जैसे ही शुरू की उस दरख्त से शदीद रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई कि तमाम मजमे ने देखा और तमाम मजमे ने आवाज़ें सुनी और इतनी ऊंची आवाज़ें हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा रोकना पड़ा। दरख्त के साथ उन्होंने क्या उसको जफ़ी कह लें नहीं लगाया, तो दरख्त की हिचकियाँ बंद गई। इस्लामिक पिंस विद बाबा। वॉइस से रुक रही हो या रोका गया जितने भी है ना सब उनको जो नजदीक वाले थे उन لا إله إلا الله ولم ينقصنا وإن لم تغفر لنا
पता है उनका पूरी बॉडी से जो चीज़ आ रही है आकर के जैसे दिमाग की तरफ जा रही है। अब ये क्यों फिर वेंस बाबा आप लोग उसको पता क्या होने वाला है। श्योर यार पकोला ट्राई कर लेते हैं। यार क्रीम सोडा कैसा होता है? कौन सा? पकोला। यार क्लासिकल चीज है भाई। बॉम है? नुकसान दे नहीं, सबसे बड़ी बात बताइए। अरे नुकसान दे डूड, यार सामने आइसक्रीम्स देख। नहीं सर। हाँ हाँ नुकसान दे नहीं है पकोला क्रीम सोडा। सही ट्राई मार लेते हैं। तो मुझे अब फॉर्च्यूनर की चाबी मिल गई और अब हम फॉर्च्यूनर चला के रहेंगे। डिफरेंस मतलब कि सिटी और क्रोला में मैंने सोचा उतना ही डिफरेंस होगा, लेकिन ब्रो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। लेकिन ड्राइव भी ना इसकी बहुत स्मूथ है, बहुत ही फिट किस्म की है। लाइक तुम जब जोर लगाते हो स्टीयरिंग व्हील इधर उधर लगाते हो, यू नो कि यार तुम बहुत ही हैवी चीज़ हैंडल कर रहे हो आप। हाँ बारबेक्यू सीन्स। रात 12 बजे तक सो नहीं सकता मैं, यानी वो कोई ना कोई बात चलती रहेगी गप गप, ये वो सारा। तो भाई ये ज्यादा बंद कर दो। पापा किधर आ? बड़ी का है बटन ये दी का बटन को तो सिर्फ मैंने नमक और नींबू लगाया, कुछ और नहीं लगाया। वाह बारबेक्यू तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा बना? एक्सीलेंट। ये है क्या? इस दफा भाई ने मैरिनेशन चेंज की है। मटन? ओके। मटन। अच्छा। उसके अलावा कुछ नहीं है? दिस इज बीफ। ओके। सो ऑफ कोर्स टुडे बड़ी ईद है, तो चिकन को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और दोनों माशाल्लाह मेड टू एक्सीलेंट। बिहारी इज टू गुड। चलो गाइस मैं अब अपने गाड़ी में बैठ गया हूँ, कोई इतना अच्छा नहीं नजर आऊंगा क्योंकि हाँ। तो गाइस यार ये था आज का व्लॉग, ये डे स्पेशल, और फिर हमने पूरा एंड कर दिया विद बारबेक्यू। कल भी इंशाल्लाह बारबेक्यू, लेकिन मैं वो नहीं रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि अब मेरे आखिरी एक दो दिन ही रह गए कराची में। इंशाल्लाह फिर मैं वापस रावलपिंडी आ जाऊँगा, थोड़ा आराम करूँ, यू नो फैमिली के साथ टाइम गुजारूँ। कुछ खास होना भी नहीं है, एक दो दिनों में बस इधर उधर फैमिली के साथ जाना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप लोग कुछ बताना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कोई आइडियाज़ दें, और इफ़ अगर आपने पहले कभी नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो अभी प्लीज़ कंसिडर करें सब्सक्राइब करना। और विद दैट मैं बस कहना चाहूँगा ईद मुबारक गाइस, अपने तीन ये छुट्टियाँ मज़े से गुजारो, फैमिली के साथ गुजारो, ठीक है, दोस्त साथ बारबेक्यूज़ करो, और क्या होता है ईद, यू नो। और बस फिर मिलते हैं, चलते चलते।